मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब की रेड बटन दबाएं, बाद में आपको एक घंटी मिलेगी, उस घंटी को दबाएं ताकि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिले। वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहालाइफस्टाइल। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो है अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो, जो कि है एक बॉलीवुड डिजाइनर साड़ी का, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ये साड़ी कुछ दिन में पहले मैंने इस साड़ी को ऑनलाइन सर्च किया था, तो मुझे ये साड़ी काफी पसंद आई थी, तभी से ये साड़ी मेरे विशलिस्ट में थी। अब जाकर मैंने इसको परचेस किया है। तो हाल ही में मुझे ये इस तरह से फ्लिपकार्ट से पैकेट मिला है इस साड़ी का, तो मैं चाहती थी मैं आपके साथ ही इसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू करूँ, तो ताकि अगर आप ये साड़ी आपके भी विश लिस्ट में है या फिर आप परचेस करना चाहते हो तो आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि मैं इसका आज आपके साथ रिव्यू प्लस ट्राई ऑन हॉल कर रही हूँ। तो शायद आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहेगा, क्योंकि मैं इसका प्रॉपर रिव्यू और ट्राई ऑन हॉल कर रही हूँ, शायद आपको ये यूजफुल लगे। तो चलिए देखते हैं कि ये साड़ी एग्जैक्टली कैसी है। तो इसका मैं आप देख सकती हो किस तरह से साड़ी मिली है। तो चलिए देखते हैं कि ये साड़ी कैसी है। आप देख सकते हो ये साड़ी दिखने में तो काफी खूबसूरत लग रही है, और जैसे कि पिक में दिखाई है वैसे ही दो कलर्स इसमें इस साड़ी में है। एक है यू नो पैरट ग्रीन कलर का है, और एक थोड़ा स्काई ब्लू कलर का है। इन दोनों का कलर में ये साड़ी है, तो ये साड़ी काफी प्रीटी लग रही है, इसका साड़ी का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो। अब चलिए इसको खोल के देखते हैं। तो ये है इसका पल्ला, ठीक है, आप देख सकते हो पल्ला पल्ला जो पल्ला है वहां पर इसे टू कलर्स का कॉम्बिनेशन दिया है, और इसकी बॉर्डर काफी चौड़ी दी गई है, और इस पे कुछ गोल्डन कलर की पाइपिंग की गई है, और यहाँ पे जो वर्क है जो आप देख सकते हो कुछ इसे बूटी जैसा वर्क किया गया है ऑल ओवर द बॉर्डर। आप देख सकते हो काफी चौड़ी बॉर्डर है, और उसके ऊपर ऐसे इस पे फ्लावर की डिजाइन की गई है, और ये डिजाइन ऐसे लग रही जैसे हैंडमेड हो, ऐसे नहीं लग रही जैसे मशीन से किया हुआ, ऐसा लग रहा है जैसे कि हैंडमेड हो, और काफी खूबसूरत लग रही है, और काफी मजबूत भी लग रही है, ऐसा लग रहा है नहीं कि खींचो तो धागे निकल आए, ऐसा नहीं लग रहा। तो इसे सबसे अच्छी, और आप देख सकते हो जहाँ पर प्लीट्स आती है हमारी साड़ी की, जहाँ पे प्लीट्स आती है वहां पर इस तरह से उसका कलर पेज कलर है, स्किन कलर है, तो ये हमारे जो प्लीट्स है साड़ी के वहां पर ये इस तरह से कलर आएगा प्लीट्स का। यहाँ पे भी नीचे की ओर ये बॉर्डर है, पूरी साड़ी में ये वाली बॉर्डर रखी गई है, और इसके बीच बीच में इस तरह से बूटे दिए गए हैं, आप देख सकते हो इसे पैचेस तरह बूटे दिए गए हैं ऑल ओवर साड़ी में, और ये जिसका जो प्लीट्स का जो क्लोथ है वो काफी सॉफ्ट है, शाइनी भी है, सॉफ्ट और शाइनी भी है, और जो जो इसका पल्ला का भाग है वो जॉर्जेट का दिया गया है, जॉर्जेट का है, बट जो इसकी जो प्लीट्स है वो थोड़ा सॉफ्ट वाला कपड़ा दिया गया है। चलिए अब देखते हैं कि इसका ब्लाउज कैसा है। तो ब्लाउज में इसका ब्लाउज भी ब्लू कलर का दिया गया है, आप देख सकते हो, और जो नेक एरिया है जो आएगा यहाँ पे इसे नेक एरिया जो हमारा, तो इस पर भी अच्छा खासा वर्क किया गया है हमारे गले के, तो हम अपने हिसाब से इसको इसे राउंड सिला सकते हैं, अच्छा लगेगा दिखने। आई थिंक जब हम इसको सिला लें पूरी तरह से स्टिच कर लेंगे तो काफी अच्छा लगेगा, तो दिखने में तो काफी अच्छा लग रहा है। तो
तो मुझे ये इसका ब्लाउज भी बहुत पसंद आया, तो ओवरऑल ये साड़ी मुझे पसंद आई। एक बात बता दूं आपको कि अगर आप यू नो डिजाइनर, हाँ ये डिजाइनर साड़ी तो है, बट ऐसी भी डिजाइनर साड़ी नहीं है जो कि बहुत हाई एंड यू नो हाई एंड कीमत की साड़ी होती है, जैसे 10-12 हज़ार वैसी तो बिल्कुल नहीं है हॉनेस्टली, पर इतनी भी बुरी नहीं है कि पर इतनी भी बुरी नहीं कि क्योंकि ये साड़ी हमको अंडर 800 मिल रही है, उस हिसाब से तो ये काफ़ी खूबसूरत है। और इसका कलर कॉम्बिनेशन और इसका क्लोथ और इसकी जो डिज़ाइन है वो काफ़ी खूबसूरत है, तो ये बात मुझे अच्छी लगी।